आपने शायद इन भगवाधारियों को कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। जब मैंने इनको सोशल मीडिया पर देखा तो मेरी रुचि हुई कि मैं जाके इन देवियों से बात करूं कि भाई आपने भगवा वस्त्र क्यों धारण कर रखा है और आप अयोध्या जी में क्यों आए हैं, अयोध्या धाम में आप क्यों आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आप जैसे यंगस्टर्स हैं जो बार बार कहते हैं कि जो मंदिर जो है वो हमें खाने को तो देता नहीं है। आज सुबह सुबह ही मैं एक बहुत बड़ी पत्रकार को सुन रही थी और वो इस बात को कह रही थी कि राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, मतलब एक सरकास्टिक वे में बोल रही थी। तो आइए हम इन देवियों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर साध्वी वाक्षी भारती, मैं माँ आशुतोष शामरी जी की शिष्य हूँ। अच्छा, तो आप कितने साल पहले आपने अपने गुरु माँ को ज्वाइन किया? हमें माँ की अनुभूति 2 साल पहले हुई थी, 6 मंथ्स लेटर, सो 1.5 साल हो गया माँ के सानिध्य में होते हुए। अच्छा, और ये भगवा वस्त्र आपने क्यों धारण किया है? ये भगवा वस्त्र जो है ना, ये साधारण नहीं है। ये जब एक पूर्ण सत्ता पूर्ण गुरु देती है, इसको ज्ञान की अग्नि कहा जाता है। ये जो भगवा होता है, आई हैव कम फ्रॉम लंदन फ्रॉम द UK, वहाँ से हम साइकाइट्रिस्ट रह चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। आई वर्क फॉर अ गवर्नमेंट जॉब क्वाइट हाई अप, आई यूज्ड टू सिट विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। नाउ आई हैव कम हियर एंड नाउ आई एम इन भगवा। भगवा हमने इसीलिए ही धारण किया है क्योंकि जब हम इन चीज़ों से दूर थे, जहाँ हमें रिलीजन के बारे में, रियलाइजेशन ऑफ गॉड जैसे विवेकानंद ने कहा, इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था। हमारी बस ये इच्छा थी कि समाज की हम सेवा कर सकें, कि समाज को हम कुछ दे सकें, लोगों की जिसकी मेंटल हेल्थ है उनके हेल्प कर सकें, ये चीज़ें, गवर्नमेंट में जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको सपोर्ट दे सकें, ऐसा हमारा कार्य था। पर माँ ने हमारे जीवन में आके उन्होंने ऐसा दिव्य अनुभूति हमसे कराया जब हम इंग्लैंड में थे, उनके दर्शन करके, अब यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, शी केम टू मी एंड आई रियलाइज कि यहाँ ज्ञान मिलता है, यहाँ ईश्वर के दर्शन कराए जाते हैं। फिर हम लखनऊ आए माँ के दर्शन करने, जब उनका दर्शन हुआ, माँ तीन भौतिक आंखों से हमें पता लगे बहुत दिव्य शक्ति हमारे आगे हैं, और उन्होंने फिर हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, उस ईश्वर के दर्शन कराए। उन्होंने जब उस दर्शन कराए हमें ऐसा मार्ग, सर्वश्रेष्ठ संन्यास का मार्ग दिया, जिससे आप खुद का कल्याण भी करते हो पर आप समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? 25-26 साल कितनी होगी मेरे ख्याल से? जस्ट अबाउट, यस, इसके लगभग ही होगी। तो ये समय तो आपका गृहस्थ जीवन बसाने का है, ये सन्यासी आप क्यों बन गई? गृहस्थ जीवन की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें कुछ रखा नहीं है हमारे लिए, जस्ट फॉर मी, है ना, बाकियों की नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी बात कह रही हूँ। क्योंकि जैसा जीवन हम जीना चाहते थे उसके लिए सही और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ये संन्यास। क्योंकि ये जो है कि सबकी डिसीजन है, भारत की संस्कृति ये थी, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे और उसी से उनके आचरण से क्लियर हो जाता था, उनको फिर 2 रास्ते दिए जाते थे कि आप गृहस्थ में रहो या आप संन्यास में जाओ। पर गृहस्थ के जो भी नियम हैं उसको जब सही भांति में लोग फॉलो करेंगे तो उसका सही भक्ति होगा। अच्छा। पर हमें इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमने बस ईश्वर को प्राप्त करना था और वो माँ ने हमें दिखा दिया। यहाँ क्या कर रहे हैं, अयोध्या में क्या कर रहे हैं? अयोध्या में हम आए हैं राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए और राम जी का ये जो अयोध्या में वातावरण बनाया है, और हम इस मैसेज के साथ आए हैं सभी लोगों के समक्ष कि ईश्वर को देखा जाता है, और जब आपके जीवन में ऐसा गुरु आता है जो ईश्वर के दर्शन करा दे, तब आपके जीवन में परिवर्तन होता है, तभी राम राज होता है। ये जो बाहर से आप चीज़ें देख रहे हैं अच्छी हैं, पर ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि किसी ने कहाँ त्याग तपस्या की है और चाहा है। क्योंकि जब इफ़ यू स्टडीज़ ने दिखाया है, इफ़ यू स्माइल एंड समवन एल्स, वो भी उसको भी स्माइल ऑटोमेटिकली होती है। ये एक बहुत सिंपल वाइब्रेशन है। आप जब बहुत ज़्यादा खुश हो और आप हमसे 25 माइल्स की दूरी पर रहते हैं, हम भी खुश होंगे। पता क्यों? वाइब्रेशन का इतना बड़ा स्पंदन। ये राम मंदिर, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से क्या वाइब्रेशन जनरेट होने वाली? बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो रही है क्योंकि लोगों को जीत लग रही है ना। क्योंकि अब हिंदू धर्म को तो पूरी तरह से ख़त्म किया था, यहाँ भी और विदेशों में भी, है ना, कि यहाँ कोई प्राउडली नहीं कह सकता था कि मैं सत सनाती धर्म हूँ, आराम से कुछ और कह सकता था, पर वो चीज़ नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत भ्रांतियाँ और बहुत अज्ञानता और बहुत इग्नोरेंस लेकर गई है इस चीज़ का। पर अब वो जाग गया है, जिस धरा पर राम जी का अवतरण हो गया वो ही भव्य है, और उसी के भूमि पर रहते रहते हम क्यों ना भव्य हों उनके सानिध्य में। आपको लंदन याद नहीं आता है? लंदन को हमारी याद आ रही होंगी पर हमें लंदन की याद नहीं आती। लंदन
टंडन को अब हमारी याद आ रही होगी, और भी देवियां हैं, आप भी हैं, क्या नाम है आपका? जय श्री राम, माय नेम इज सेंट गैब्रियल एंड आई एम ए डिसिपल ऑफ हर होलीनेस महाशिता शबरी जी। हिंदी बोल लेती हैं थोड़ा बहुत? नो, आई अंडरस्टैंड हिंदी थैंक्स टू माय गुरु मास कृपा, बट आई एम स्पीक इंग्लिश। आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है? Yes, of course. It's the sthapana of Lord Ram's Lalla Sarup's murti. So that's what's happening on a physical level, right? But because I am very lucky to have received Brahmgyan, the divine knowledge from my Guru Ma, Her Holiness Mahashita Shamanichi, on an adhyatmic level, there's so much divine light that's happening here that we can't see with these two eyes. लोग मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा समय स्विच कर जाती हूँ। आपका नाम? साध्वी प्रज्ञा भारती। सभी को जय श्री राम। गुरु माँ है हमारी परम पूजनीय माँ आशुतोष अम्बरी जी। अच्छा, आप लोगों को मतलब आप सभी लोगों ने संन्यास जो है वो मतलब ले रखा है, शादी ब्याह कभी कुछ नहीं करेंगे आप? अभी आप उनसे भी प्रश्न पूछ रहे थे कि गृहस्थ की एज है। हाँ, तो मैं सभी से प्रश्न करती हूँ उस चैनल के माध्यम से, आज आप टाटा बिरला अम्बानी के पास भी जाएंगे या किसी गाँव के व्यक्ति से भी जाके पूछेंगे? बिकॉज यू मीट लॉट ऑफ पीपल, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, कोई भी आज अपने जीवन में सुखी नहीं है और चिंतन नहीं है इस चीज़ पे कि हम सुखी क्यों नहीं है। गृहस्थ में क्या है, सभी ने सुना है ना कि स्वार्थ के रिश्ते हैं, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन नेचर, यू एक्सपेक्ट समथिंग, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला ये करेगा तो मैं ये करूँगी। ऐसे रिश्ते में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। सुख शांति और आनंद मात्र उस ईश्वर में है जो केवल लुटाने का सागर है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है केवल मिल जाए। यहाँ अयोध्या में आकर कैसा लग रहा है? अयोध्या की धराधाम संपूर्णतः आनंदित है, पूरा वातावरण एकदम दिव्य है और सभी के भीतर इतना जोश और उत्साह दौड़ रहा है और वो आंतरिक अनुभूति हम सभी को यहाँ हो रही है इस समय। लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये तो बस दिखावा है और एक तरीके से आप कहिए तो बीजेपी का प्रचार एजेंडा है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं परंतु स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी आ रही हैं। राम को ही काल्पनिक कह दिया है, ग्रंथ शास्त्रों को नकार दिया गया है, कोई कहता है भगवान मांसाहारी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं उन्हें राम लगते झूठे हैं, झुकलाते हैं राम के मर्म को, घायल कर रहे हैं धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही हैं सबके सब हरिहर द्रोही हैं, जो करते राम की निंदा है वो कैसे अब तक जिंदा हैं, ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुण पुराण दे, राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने कहा। थोड़ा सा मैं उन लोगों को भी जवाब चाहती हूँ आपके तरफ से मिले जो लोग कहते हैं कि जी राम मंदिर बन गया, मतलब सरकास्टिक वे में कहते हैं राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, देश की अर्थव्यवस्था जाए मतलब चूल्हे में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राम मंदिर बन गया सब कुछ हो गया, तो क्या कहोगे ऐसे लोगों? उन लोगों को कहूँगी कि चाहे सरकास्टिक वे में ही सही, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन गया सब कुछ हो गया, क्योंकि प्रभु का धरा पे अवतरण हो चुका है, वो तो सदा सदा है, आदि अनंत है, परंतु ये बाहरी बस एक संकेत है उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा है, ये बाहरी मूर्ति मात्र संकेत है, वो सब समझ जाए उनको समझाने के लिए, कि जैसा भी कहा कि जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जो आंतरिक रूप से राम को मानते नहीं है, जानते नहीं है, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं भगवान अब भी अंत तक आके चेता रहे हैं कि देख मैं आ गया हूँ, अब जागृत हो, धर्म की स्थापना का समय है, अधर्म के विनाश का समय है। तो उन लोगों से कहूँगी कि राम आ गए हैं, कार्य हो गया है, आप सरकास्टिक वे में ही सही, आप सही कह रहे हो कि आत्मा आपकी बता रही है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब धर्म स्थापित होगा ही होगा और रावण जैसे पापियों का नाश होना ही होना। रावण जैसे पापी किसको कह रही है? जो भी लोग हमारे धर्म के अगेंस्ट हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए है, जो धर्म के विरोध है, जो भी सत्य के मार्ग पे नहीं है, वो सभी पापी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है अपने धर्म का विरोध करना। एंड व्हाट इज धर्म एक्चुअली? रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति है, अगर आपने वो नहीं किया तो आप धार्मिक नहीं हैं, और अगर आप ईश्वर को ही नकार रहे हैं तो सबसे बड़े अधर्मी आप स्वयं हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी ये बोल रही हैं, और आप ये समझिए उन लोगों को ये जवाब है जो लोग कहते थे कि सन्यासी वो लोग बनते हैं जो लोग कुछ भी नहीं करते, अपने जीवन में असफल हो जाते हैं तो सन्यासी बनते हैं। इस तरीके से जब हिंदू धर्म का अप्रचार होता है, हिंदू धर्म को इस तरीके से बोला जाता है, तो आप सारी जो यंग पीढ़ी है वो क्या सोचती है? मैं आपके पास भी आऊँगा।
तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि ये दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज द थिंग इज़ ये जो साइंस है जो हम आज मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, साइंस को जो मानते हैं, इसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं, वो विज्ञान, वो परम विज्ञान, वो सिर्फ ईश्वर दर्शन से, वो अध्यात्म से ही आया है. दिस इज़ द रीज़न व्हाई व्हेन द ब्रिटिश केम हियर, यहाँ जब वो आए थे, ब्रिटिश राज हुआ था, उन्होंने यहाँ अध्यात्म की नींव देखी थी, उसको चुरा कर इसीलिए यूके लंदन में तरक्की हो रही है. क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ के तत्वों को चुरा कर वहाँ जाके उन चीज़ों को स्थापित किया और यहाँ हमें ये बता दिया कि कुछ नहीं है. जी जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी क्योंकि इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है, दोनों दीदियाँ हैं हमारी विदेश से, लंदन से है, मैं खुद भी दिल्ली से हूँ, मैंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सीएस किया है, 1.5 साल गूगल में जॉब की है. और साल गूगल में जॉब, कितना पैकेज था हमारा? 85,000 पर मंथ का मेरा पैकेज था. उसको छोड़कर मैं आई हूँ. अब चिंतन का विषय है कि ये कैसे संभव हुआ. स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में जाके भारतीय संस्कृति की स्थापना की, कैसे की? क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. इसका जवाब है उनके सतगुरु रामकृष्ण परमहंस जी. जब उनके जीवन में वो आए और उन्होंने उनका ईश्वर का दर्शन कराया तो वो एक्चुअल जो जागृति है वो उनके भीतर हुई. उनको समझ आया कि ये जो मेरा यंगस्टर हूँ, मैं युवा हूँ, ये युवा मैं इसलिए नहीं हूँ कि इधर उधर जाऊँ, कमाऊँ, रोटी खाऊँ, मेरा यहाँ तक लक्ष्य नहीं है. मेरा लक्ष्य है उस ईश्वर की प्राप्ति जो हम सबका है. तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के पीछे उनके गुरु का हाथ था, तब जाके वो भगवाधारी कहलाए और इस भगवा की पवित्रता को उन्होंने जाना. और हमने भी अपने गुरु मां परम पूजनीय मां आशुतोषामरी जी के सानिध्य में इस भगवा की पवित्रता को जाना है और ईश्वर का दर्शन माने कराया हम सभी के अंतर्घट में. तभी आज सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आए हैं. ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है. फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमसे मिलता है यही होता है कि सब कुछ आपने छोड़ छाड़ के ये कैसे संभव हुआ. तो एक ही जवाब है कि जिनके शिष्य ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे. इसमें गुरु की महिमा है, हम लोगों की नहीं. अच्छा, आपको मन नहीं करता कि मैं भी मतलब उस तरीके से रहूं, अलग अलग कपड़े पहनूं, थोड़ा अपने बालों में मैं अच्छे से वो करूं, थोड़ा अपनी खूबसूरती को निखारूं? एक समय था मैं भी दिल्ली में एक मॉडर्न लड़की थी. बालों का जो भी है, एक लड़की की इच्छाएं होती है, ड्रेसिंग करना, ये सब है. ऑफ कोर्स मैं भी एक नॉर्मल इंसान थी, मेरी भी थी. परंतु जब पूर्ण गुरु अपने गुरु माँ के सानिध्य में आई, उन्होंने बताया, उन्होंने मात्र शब्दों में नहीं उन्होंने समझाया कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान. ये तन में केवल विष है विष, और अमृत केवल वह ईश्वर है. उसको प्राप्त करोगे तो जीवन में मुक्त होगे, अन्यथा ये सब तो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़े भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब कर ही रहे हैं. बिल्ली हाथी घोड़े जैसा बना दिया जो गृहस्थ जीवन में है. गृहस्थ का मतलब ये नहीं, अगर गृहस्थ होते हुए भी आप भक्ति कर रहे हैं, हम उनके लिए ये संदेश है ना. खाना, सोना और अपनी सांसारिक कष्ट कलेशों में डूबे रहना, यह एक मानव की पहचान नहीं है. कहना चाहूंगी इसके विषय में, आपने दीदी ने कुत्ते बिल्ली की बात करी, हमारे शास्त्रों में लिखा है धर्मेण हीनः पशु भी समाना. जो धर्म से विहीन है, जिसको धर्म का नहीं पता, वो पशुवत आचरण करता है और पशु के समान ही अपना जीवन यापन करता है. अरे विपक्ष धर्म को तो वो करते ही नहीं. धर्म की पहचान है जिस सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेना, वेदों के ज्ञाता तो रावण भी था, रावण प्रकांड विद्वान था, फिर क्यों उसको राक्षस कहा गया? क्योंकि उसके पास वो गुरु नहीं थे, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं था जिससे वो प्रभु श्री राम का दर्शन करता, प्रभु श्री राम को पहचानता. विद्वान तो रावण भी था, क्यों उसको फिर राक्षस कहा गया? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं वेदाहमेतम पुरुखम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाया. जो उस परम प्रकाश पुरुष को जानता है, वो काल पुरुष को जानता है, वही परम पुरुष है, वही सतगुरु है, और इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है. हमारे विवेकानंद जी ने कहा है अगर आत्मा है तो उसे महसूस करो, अगर ईश्वर है, आप तुम जानते हो कि ईश्वर है तो उसका दर्शन करो, अन्यथा ये पाखंड करने से अच्छा है तुम नास्तिक हो जाओ, क्योंकि ये पाखंड सही नहीं है, इसके बजाय तुम नास्तिक रहो. आस्तिक हो, अगर अपने आप को आस्तिक कहते हो, तो एक सच्चा हिंदू वही होता है जो सिर्फ वेदों को, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, बल्कि उसे अपने अंतःकरण में जानता है. हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों को लिखा नहीं, उन्होंने पहले अपने अंतःकरण में देखा है. वेदों में कहा है अरे वह आत्मा द्रष्टव्यो मंतव्यो श्रोतव्यो, श्रोतव्यो द्रष्टव्यो मंतव्यो, पहले सुनो फिर देखो फिर मानो. हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है सुनो, हम राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, फिर उन्होंने कहा देखो, सुनो राम की महिमा फिर देखो. देखना क्या है? राम को देखो, कृष्ण को देखो, जिनकी आप महिमा सुन रहे हो, जिनकी आप महिमा गा रहे हो, क्या आपने उनको देखा है? स्वामी विवेकानंद जी एक प्रश्न करते थे हर गुरु से के पास जाके, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हम इस लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया वालों को कहना चाहते हैं, कहते हैं हमारी श्रद्धा ठगी गई जी.
ऐसे गुरु मिल गए। अरे उस गुरु के बारे में तो ऐसा न्यूज आ रहा था, पता नहीं इतने सारे उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन ऐसे फिर क्यों हो गया? तो हम उन सब के साथ कहना चाह रहे हैं, हमारे गुरु मां अक्सरा एक बात कहती है कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, लेकिन श्रद्धा को भी विवेक की आँख चाहिए। अगर विवेक नहीं है आपके पास तो आपकी श्रद्धा ठगी जाएगी, क्योंकि अगर संसार में असली नोट है तो नकली भी भरे पड़े हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग बताइए कितनी लगती है आप लोगों को? मुझे तो लग रही है 27-28 बस इतनी है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आज आप हिंदू धर्म को कैसा पा रही हैं, मजबूत या फिर और मजबूत होना बाकी? बिल्कुल, हिंदू तो पहले से जागृत हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे पहले कैसे सोया था, अब जागृत कैसे हुआ? पहले ये था कि अपने श्री राम के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति इसका कोई इतना चिंतन नहीं था जितना कि आज है। आज पहले विदेशों में इतना प्रभाव नहीं था हमारे प्रभु राम का जितना कि आज है। आज आप देखेंगे विदेशों में, लंदन में, पेरिस में, हमारी दीदी लंदन से आई है, लंदन में सुंदरकांड हो रहा है, राम जी की यात्रा निकाली जा रही है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, जिस आइफल टावर जो है वहाँ पर, उस आइफल टावर पर लोग प्रपोज करने जाते थे, अपने प्यार की नगमे गाते थे, वहां पर आज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, वहां से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है आज के युग का। हम ये बस युवाओं से, खासकर अपने युवाओं से कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम युवा थे जिन्होंने रावण का वध किया, भगवान श्री कृष्ण युवा थे जिन्होंने कितने जरासंध जैसे कितने राक्षसों का वध किया, जो भागीरथ थे जिन्होंने गंगा को धरती पर लेकर आए वो युवा थे, विवेकानंद जी युवा थे, सभी लोग युवा थे, जो भारत की संस्कृति को विदेशों में जाकर उनका झंडा लहराया। उन युवाओं से दो लाइन कहना चाहूंगी, मेरी गुरु माँ अक्सरा ये बात कहती है कि युवा हो तुम तो फौलादी जरा हिम्मत जुटा लो, युवा हो तुम तो फौलादी जरा हिम्मत जुटा लो, असुरता के विषैले सर्प का फन कुचल डालो, है यौवन धन्य गर कर दे प्रचंड प्रहार इन पर, है गुरुवर साथ रख विश्वास बढ़ चल सत्य पथ पर। और सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, अपने भीतर ईश्वर को देखो जानो, आप दृढ़ तभी होगे, मजबूत तभी होगे। बोलो जय श्री राम। शंख भी बज गया यहाँ पर। अच्छा एक और बात बताइए, जैसे ये कह रही हैं कि अब लंदन में भी सुंदर कांड हो रहा है। लंदन में सिर्फ नहीं, पूरे यूके में, तो मैनचेस्टर, लेस्टर, हैरो, वॉटफर्ड, लंदन, हर एक, वॉटफर्ड में सबसे बड़ा इस्कॉन का टेंपल है, कृष्णा जी की भक्ति वहाँ होती है। अब आपकी सबसे बड़ी बड़ी कथावाचिका भारत की वो यूके गई है राम कथा करने के लिए। हाँ, को वहाँ की संगत राम जी की प्रतीक्षा कर रही है, तो यहाँ की भूमि से उन्होंने साध्वियों को बुला लिया, राम कथावाचकों को बुला लिया है, और वहाँ सब कुछ सुंदर कांड हो रहे हैं। या ये यहाँ से वहाँ जा रहे हैं विदेशों में कथावाचक, मतलब वहाँ पे राम जी का रस फैलाने। और यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि राम तो क्या फ़ायदा ये सब इतना खर्चा, फिजूल खर्ची करने से। राम जी ने अपना पूरा स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए, अपने लेवल, हमारे लेवल पर आके इस धरा पर जन्म ले लिया, हमारा कुछ नहीं जाएगा जहाँ हम एक मिनट जाके सत्संग प्रवचन सुन लेंगे। क्योंकि हम टीवी न्यूज़ में सब, आप यूट्यूब पर चीज़ें देखते हो ना, लोगों के लाइफस्टाइल्स देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स की चीज़ें देखते हो, न्यूज़ देखते हो, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो आपका जीवन उसके तरह हो, क्योंकि फिर वो बहुत अच्छा होगा। न्यूज़ सुनते हो? राजनीतिक कुछ, पॉलिटिक्स वाला कुछ सुनते हो? यूके का पता है, यहाँ का थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, क्योंकि जब भी समझ के बना है यहाँ के राम जी को उन्होंने एक राजनीति का एक मोहरा बना लिया है। किसने बोला है? बोला नहीं, हमें देखने को मिल रहा है, अब लोगों के प्रश्नों से ये पता लग रहा है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। पर बहुत सिंपल, बहुत सिंपल बात है, राम जी इस धरा पर आ गए, धरा उसी की है, उसने जहाँ जन्म लिया उसकी मंदिर स्थापना होने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा बना करके वो गलत मतलब बोल रहे हैं, वो सही नहीं बोल रहे हैं। पॉलिटिकल एजेंडा इसमें क्या हो सकता है? आप राजनीति से क्या क्या रहे हो, वो तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स कर सकते हैं, वो धर्म थोड़ी कर सकते हैं। आप तो राजनीति लोगों के पास जाके ईश्वर को मांग रहे हो, तो यहाँ आप ही गलत कर रहे हो। आपको राम चाहिए तो आप भगवाधारियों के पास आइए, आपको राम चाहिए साधु समाज के पास जाइए, इस पूर्ण गुरु के पास जाइए, वही जाके उनको बताते कि ये चीज़ ऐसे करनी है, वो चीज़ ऐसे करनी है। और जहाँ आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, ये नहीं है, जो भी राम जी के लिए आगे बढ़ रहा है, सेवा कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है,
उसका सपोर्ट करना ही चाहिए। जो भी हो, एक साधारण इंसान भी अच्छा कर्म कर रहा, उसका भी सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, आप लोग जैसे वहाँ विदेश में आप लोग रहे, तो मैं एक सवाल जैसे वैसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे बड़े सारे ऐसे मीडिया हाउस के पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि राम मंदिर से खाने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको अस्पताल मिलेगा, तो ये आपका तर्क, क्योंकि आप उस भूमि विद्यालय में भी रह के आए हो जहाँ पर धर्म का मतलब क्या होता है किसी को नहीं पता, यंगस्टर्स अपने ही माहौल में ढले रहते हैं, तो क्या बोलोगे आप इसमें? तो इसका ये मतलब है कि लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई। यूके में, यूके आप देखो बहुत महंगा है, वहाँ हर एक मंदिर में लंगर होता है, हर एक मंदिर में, हर एक गुरुद्वारे में, हर एक जहाँ वहाँ होता है लंगर होता है। मंदिर और धर्म जो है वो ज़रूरी होता है कि आज के ज़माने में? मंदिर ज़रूरी है, धर्म क्यों नहीं ज़रूरी? धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस, और उसी चीज़ को प्रोटेक्ट किया था हमारे राम ने। धर्म की प्रोटेक्शन उसने कर्म से किया था। आप एक्शन लोगे तो ही आपका धर्म सुरक्षित होगा। आप कर्म ही नहीं करोगे और दूसरों को देखते रहोगे, दूसरे को देखते रहो, वो करेगा तो मैं करूँगा, तो फिर ऐसे बदलाव थोड़ी। धर्म ज़रूरी है क्या? धर्म सर्वस्व है, धर्म ही कर्म है। अगर धर्म, यानी धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और धारण करने योग्य कौन है? केवल वह ईश्वर। तभी तो विवेकानंद जी ने संदेश दिया ना कि धर्म क्या है। लोग धर्म के अलग अलग डेफिनेशंस दे रहे हैं, ये धर्म वो धर्म, धर्म कभी बटा ही नहीं था संप्रदाय। मैं पूछ रही हूँ, जरूरी है धर्म? धर्म के जमाने में जहाँ इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, धर्म परम आवश्यक है। धर्म को भूले हैं तो आज ये गति है। धर्म परम आवश्यक है, उस धर्म को सभी को धारण करना होगा इस समय। आप बताइए, धर्म जरूरी है आज का इतना मॉडर्न हो गया? देखिए आप कोई भी यहाँ पर उस तरीके से, आप अगर आंटी को भी देखेंगे तो आंटी ने भी जींस वींस पहन रखा है, मॉडर्न इतना जमाना हो गया है। धर्म जरूरी है? धर्म बिल्कुल जरूरी है। हमारे वेदों में लिखा है, धर्मस्त तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सह पंथा। जिस पंथ पे चलकर हमारे संत महापुरुष गए हैं, वही पंथ सर्वस्व है और वही पंथ सत्य है। उसी पंथ को हमने छोड़ा है तो अधर्म बढ़ गया है, और जब अधर्म बढ़ता है, कहते हैं धर्म का जब लोप होकर पाप में संसार होता है, दुखी दीन जनों पर जब घोर अत्याचार होता है, ब्राह्मण गौ संत पर जब हाहाकार होता है, तभी इस धराधाम पर प्रभु का अवतार होता है। और इस धर्म पे आज अधर्म का साम्राज्य बढ़ा है, अधर्म का साम्राज्य बढ़ा है, इसीलिए आज इसीलिए मानव समाज भ्रमित हो गया है। आज सच्चे संत को पहचानना मुश्किल हो गया है, वेदों पे ध्यान नहीं है, हमारे शास्त्रों पे ध्यान। राम जी के आने से क्या लगता है, धर्म मजबूत होगा? और बिल्कुल मजबूत होगा। अयोध्या में प्रभु राम आए तभी तो राम राज्य आया है, उसके पहले तो सभी अयोध्या मृत समान हो गई थी। दशरथ जी की मृत्यु हो गई, सारी अयोध्या शोकमय हो गई थी, लेकिन जब प्रभु राम आए उसके बाद दिवाली मनाई गई, खुशियां मनाई गई, और हमारे प्रभु राम भी आए हैं, और फिर अभी सबके भीतर दिवाली आएगी सबके। लेकिन प्रभु श्री राम सिर्फ बाहर के मूर्तियों में स्थापित करने के लिए नहीं है। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही एक सत्य है। और प्रभु श्री राम को अपने अंतर्घट में जानो। अर्जुन तो बाहर श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को क्यों जरूरत पड़ी ज्ञान देने की अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए? क्योंकि अगर आप धर्म की लड़ाई करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो धर्म का साम्राज्य खत्म हो, तो आपको अपने भीतर श्री राम की मूर्ति, श्री राम को स्थापित करना पड़ेगा। भक्तों ने कहा, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, तो इसके लिए आपको एक पूर्ण सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हम राम जी को जान पाएंगे। आपसे तो कुछ भी बातचीत नहीं हुई, बस आखिरी प्रश्न पूछ लेते, कैसा लग रहा है अयोध्या में? अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, पहले से बहुत सुंदर है, जिसकी विवेचना शब्दों में नहीं की जा सकती है। आज के समय में अयोध्या बहुत अच्छी है। देवियों से बात करते करते मैं भूल गई पुरुष को, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, एकदम दिव्य और अलौकिक है, अर्थ से फर्श पे आज लग रहा अयोध्या है, एक काया पलट हो चुका है अयोध्या का। तो यहीं के हैं भारत के, कहाँ के रहने वाले? मैं ही अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं? अयोध्या में लंदन वाले लोग आ गए क्या? और ये बहुत अच्छी बात है, ये सोचना चाहिए, और ये युवाओं को ये चीज देखना चाहिए। लोग लंदन से आके यहाँ गुणगान कर रहे हैं, एक समय था स्वामी विवेकानंद यहाँ से जाके लंदन में गुणगान कर रहे थे। आप लोगों के सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कितना बड़ा प्रमाण है, ये देख के आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। जी, जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना राम मंदिर से, उनको भी थोड़ा सा। राम मंदिर से कुछ नहीं होना, राम मंदिर तो एक इतना बड़ा मैसेज है उनके लिए कि आज से ही उनकी होश और नींद उड़ गई है, शायद वो डिप्रेशन की नींद की गोली खा के सोने लगे हैं अभी से। तो ये मैंने युवाओं से, रुक जा भैया 2 मिनट,
थोड़ा सा आउट्रो बोल लूँ उसके बाद आ जाना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना भाग जाएंगी दीदियाँ। ये मैंने आपको यहाँ पे नव पीढ़ी जो है उनसे बात करके दिखाया कि धर्म कितना और क्यों ज़रूरी है, और क्या हमें सिर्फ राम जी को मूर्तियों में देखना चाहिए कि उनको अपने अंतरात्मा में भी बसाना चाहिए। तो ये कोई ऐसी वैसी लड़कियाँ नहीं है भैया, देखा जाए तो ये लंदन से आई हैं, ये दिल्ली में, ये गूगल में जॉब कर चुकी हैं, इनके पैकेज अच्छा खासा था, तो ये सब कुछ छोड़ करके एक कहिए तो धर्म के रास्ते पे चल के और लोगों को सीख देने के लिए ये काम ये कर रही हैं। और आप ये देखिए जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, मैं आशा करूँगी कि आप लोग दो चार बातें जो है यहाँ से जितने भी लोग सुन रहे थे लेके ज़रूर जाएँ। इसी के साथ धन्यवाद।